हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो? सभी को वेलकम वापस एक बार एक नए से वीडियो में। स्टूडेंट्स, कल ही के दिन मैंने 21 सेट्स मराठी का किस प्रकार से आपको यूटिलाइज करना है वो वीडियो मैंने पब्लिश किया था, और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया हिंदी के भी हमको बताइए, हमारा हिंदी भी थोड़ा सा वीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट का भी हमको बताइए कि हम किस प्रकार से अपेक्षित को कंप्लीट कर सकते हैं, और 65 प्लस मार्क्स हम हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब मैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बोलता हूं, और अब मैं जब बोलता हूं कि 65 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, तो ये डंके की चोट पे कहता हूं कि आप ये मार्क्स गेन कर सकते हो, बट आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। जो जो मैं स्ट्रेटजी देने वाला हूं, उस स्ट्रेटजी को एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं तो बोल के इस वीडियो में चला जाऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूट करना ये आपके हाथ में है। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आप पूरे मार्क्स जो जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो आप गेन नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फटाफट से हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा की पूरा नवनीत जो 21 सेट होती है, 21 सेट जिसको हम अपेक्षित भी कहते हैं, तो उसके बारे में पूरा की पूरा वीडियो है, और हिंदी का टॉपिक किस प्रकार से आप हिंदी सब्जेक्ट को आप किस प्रकार से पूरा की पूरा कंप्लीट कर सकते हो, और 80 में से लगभग 65 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हिंदी जो सब्जेक्ट है ये पर्टिकुलरली चार विभाग में, ध्यान से समझना है, ये पर्टिकुलरली फोर विभाग में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो पहला विभाग हम देखेंगे दैट इज विभाग एक, तो विभाग एक जो होता है वो आपका 20 मार्क का है, विभाग दो जो है वो है आपका 12 मार्क्स का, मतलब कि हो गए 32 मार्क्स, विभाग थ्री जो है वो है आपके 8 मार्क्स के, जिसको हम पूरक पठन कहते हैं, मतलब कि रैपिड रीडिंग, विभाग फोर जो है वो व्याकरण है, व्याकरण देखो व्याकरण हिंदी का थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं बताऊंगा आपको, और विभाग फाइव जो है वो है उपयोजित लेखन, मतलब कि राइटिंग स्किल, जो कि दिया गया है 26 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक करना है, जाहिर सी बात है आपको स्टार्ट करना है विभाग तीन से, जो कि है आपके 8 मार्क्स के। अभी बच्चा लोग, विभाग तीन क्या है? विभाग तीन, जैसे मैंने कल आपको बताया था, विभाग तीन में आपको जो आने वाले है वो आने वाले है पूरक पठन। अभी बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता है पूरक पठन होता क्या है। स्टूडेंट्स, पूरक पठन जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में रैपिड रीडिंग कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रैपिड रीडिंग कहते हैं, और अगर उसी प्रकार से हम मराठी में देखें तो इसको, मैंने जैसे कल बताया था, तो इसको हम स्थूल वाचन कहते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, ये जो चीजें होती है विभाग तीन जो 8 मार्क की है, अगर आपको 8 मार्क इसमें चाहिए तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने होते हैं, जो कि देखो जो पठित पद्यांश होता है, पठित मतलब कि स्टूडेंट्स, इन द सेंस पठित गद्यांश, गद्यांश मतलब कि पैसेजेस, तो जो पठित है मतलब कि जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं लेसन्स, उन लेसन्स के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं। आप जब आपकी डाइजेस्ट या फिर आपकी जब टेक्स्ट बुक आप ओपन करोगे तो लेसन के सामने देखो पूरक पठन लिखा गया होगा, तो लगभग 3 से 4 या फिर 5 से 6 पूरक पठन है पोयम के मिला के, मतलब पोयम के भी होते हैं पठित पद्यांश, पद्यांश मतलब कि आपके जो होते हैं विच इज पोयम के आपके पूरक पठन, मतलब रैपिड रीडिंग पोयम के, और जो पठित गद्यांश होते हैं मतलब कि पैसेजेस होते हैं, स्टोरीज होते हैं, लेसन्स होते हैं, उसके आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि ये पूरा की पूरा आपको लर्न करके रखना है, जिससे कि आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। अभी भैया इसके लिए आपको दे रहे हैं 2 दिन, ठीक है भैया, इसके लिए आपको दे रहे हैं 2 दिन, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आप खुद को टारगेट दे रहे ना कि पद्यांश और गद्यांश के जो पूरक पठन है वो मैं लर्न कर लूंगा, एकदम अच्छे से लर्न करूंगा। अभी सबसे पहली चीज भैया, हम लर्न कहां से करें? क्या हम 21 सेट से ही लर्न करें? देखो स्टूडेंट्स, पूरक पठन के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, पूरक पठन जो आपके 21 सेट में दिए है उसमें बस इंपॉर्टेंट वाले दिए है, पूरे के पूरे नहीं दिए है। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि आप जो भी डाइजेस्ट प्रेफर करते हो, नवनीत के डाइजेस्ट करते होंगे या फिर टारगेट की करते होंगे या फिर कोई भी आपके क्लासेस की करते होंगे, उसमें से आपको डाइजेस्ट के पूरे पूरक पठन आपको करके रखने हैं, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके रखना है, बात समझ में आई, जिससे कि आपके हिंदी के 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाए, 8 मार्क। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज आपको करनी है हिंदी के पेपर में, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है विच इज पूरा पठन आपको कंप्लीट करवाना है। उसके बाद हम जब मूव होंगे तो हम आएंगे विभाग 4 पे। विभाग 4 पे आने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि भाई साहब अभी भी 70% स्टूडेंट्स ऐसे, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, अभी भी 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते आ रहे हैं, मतलब वो अपने वीडियोस देखते आ रहे हैं लेकिन अपने फैमिली का हिस्सा नहीं बन पा रहे। मतलब 100% बच्चे हैं, उसमें से बस 30% बच्चे बस अपने फैमिली में आए हैं, बाकी के 70% बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि भैया के फैमिली में आए या ना आए, मतलब हमारे स्टेट बोर्ड वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे। तो भाई उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, भाई सोचना नहीं है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, और ये जो 70% है ना, ये 70% मुझे नीचे चाहिए, ऊपर नहीं। बात समझ में आई? तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। देखो यार पिछले 28 दिन में 70% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको भी पता है हर दिन भैया वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है जिससे कि मेरी भी हेल्प हो जाए। समझ में आया? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम आएंगे हमारे टॉपिक पे। सब्सक्राइब करना ना, मैं देख रहा करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हाँ, 2-3 बच्चों ने कर दिया है, तुम्हारी बात है भाई, तेरी बात कर रहा मैं, कर फटाफट से। ओके, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स भाषा अध्ययन मतलब कि व्याकरण पे। व्याकरण बहुत लंबा चौड़ा दिया है भाई, ये देखो मैं यहाँ पे व्याकरण का दे दिया हूं आपको। देखो व्याकरण जो है स्टूडेंट्स, व्याकरण में क्या क्या आने वाला है, शब्द भेद आएंगे, अव्यय आएंगे, संधि आएंगे, सहायक क्रिया आएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया आएंगे, मुहावरे आएंगे, कारक आएंगे, विराम चिन्ह आएंगे, काल परिवर्तन आएंगे, वाक्य के भेद आएंगे, और वाक्य शुद्ध करना। अभी इसमें से सिंपल सिंपल क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संधि, संधि मतलब कि दो शब्दों को जोड़ना है आपको, ठीक है, तो आप 8 वाला पहले कर लेना। उसके बाद है 11 नंबर पे मुहावरे, टिक करके रखो, 11th नंबर पे है आपके मुहावरे। देखो सबसे पहले आपको क्या क्या निपटाना है, सबसे पहले आपको निपटाना है विच इज संधि आपको निपटाना है, ये फर्स्ट आपको करना है। फिर उसके बाद आप जो मूव होंगे वो होंगे आप मुहावरे पे, ठीक है, मुहावरे पे जाना है। मुहावरे क्या होते हैं कि भाई नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, ठीक है, मतलब कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, तो ये मुहावरे होते हैं। तो उसका आपको सरल अर्थ भी बताना है और उस पर एक सेंटेंस भी बनाना है। बात समझ में आ रही है? उसको कहते हैं हम मुहावरे। फिर उसके बाद विराम चिन्ह, जैसे मराठी में था विराम चिन्ह, ठीक है, कौन से चिन्ह है, मतलब फुल स्टॉप को क्या कहते हैं हिंदी में, सेमी कोलन को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को क्या कहते हैं, ये करना है। उसके बाद आपको करना है वाक्य के भेद, ठीक है, ये है 4th नंबर पे आपको करना है वाक्य शुद्ध करना, मतलब कि जो वाक्य दिए गए हैं उनको शुद्ध करना। शुद्ध मतलब कि जो पंक्चुएशन अपन करते हैं ना, पंक्चुएशन। देखो स्टूडेंट अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे चैट में बता देना, पूरे एक साथ कवर कर दूंगा लेकिन आधे एक घंटे का वीडियो होगा वो, तो वो मुझे नीचे बता देना। तो वाक्य शुद्ध करना, वाक्य शुद्ध करना मतलब कि स्टूडेंट्स आपको जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को अच्छे से वापस लिखना, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ पे देना है, दिस ऑल द थिंग्स आपको आने चाहिए। उसके बाद हम आएंगे काल परिवर्तन पे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होता है, एक प्रेजेंट टेंस में आपको दिया जाएगा तो प्रेजेंट टेंस को आपको फ्यूचर टेंस में कन्वर्जन करने को बोलेंगे, या फिर फ्यूचर टेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्जन करने को बोलेंगे, या फिर पास्ट टेंस को आपको फ्यूचर टेंस में कन्वर्जन करने को बोलेंगे, तो ये आपको ग्रामेटिकल आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रिया दिए गए हैं, क्रिया मतलब कि अपने जो वर्ब्स होते हैं तो वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर ग्रामेटिकल पे आपको पूरा के पूरा थ्योरी टॉपिक चाहिए तो मैं पूरा ग्रामर भी आपको मराठी हिंदी में पढ़ा सकता हूँ। तो सहायक जो क्रिया होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ब के आगे का जो टॉप जो भी सेंटेंस या फिर वर्ड होता है उसको कहते हैं अपन हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो होता है वो एक्शन करता है और उसके आगे जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल इज रनिंग, तो रनिंग ये हो गया मेरा वर्ब, इज जो आया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ऐसा टाइप के आप समझ सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स शब्द भेद और अव्यय आप कर सकते हो, ये पूरा के पूरा ग्रामेटिकल पार्ट है तो इसके आपको एकदम व्याकरण अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लास्ट में आएंगे कार्य पे, सॉरी कारक पे और वाक्य के भेद, ये चीजें आपको करके रखनी है। अगर आप इतनी चीजें कर लोगे तो आपके 14 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे।
मतलब कि ये सब आपके टोटल कितने मार्क्स के हैं? दिस ऑल आर ऑफ 14 मार्क्स, मतलब कि उधर के 8 मार्क। देखो पूरक पठन के, ध्यान से समझना, पूरक पठन के कितने मार्क्स बच्चा लोग? पूरक पठन के 8 मार्क्स कंफर्म। ओके, ये कितने दिन में कंप्लीट करना है? 2 दिन में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद व्याकरण, ठीक है, व्याकरण व्याकरण दिया गया है 14 मार्क्स का, ठीक है, तो ये भी आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है? ये भी आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। आराम से कर लेना, जैसे जैसे मैंने बोला है, ये तो आपके दो एक 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 दिन में ये इतने टॉपिक्स हो जाएंगे, 5 टॉपिक एक दिन में हो जाएंगे, और फिर रिमेनिंग जो है 5 टॉपिक वो दूसरे दिन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, तो इतने मार्क्स आपके, 24 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए, मतलब 22 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए? 22 मार्क यहाँ पे आपके कंफर्म हो गए। कितने दिन के अंदर बच्चा लोग? बस 4 डेज के अंदर, एकदम परफेक्ट। मतलब कि 22 मार्क आपके किधर भी नहीं जाएंगे, किधर भी नहीं जाएंगे, अगर आपने एकदम शिद्दत से 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट किया। मुझे वैसे कमेंट में बताना है, हाँ भैया हम एग्जीक्यूट करेंगे इस चीज को। देखो स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी देके तो मैं चले जाऊंगा, अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम आएंगे विच इज उपयोजित लेखन। तो स्टूडेंट्स देखो यार, उपयोजित लेखन ये टोटल 26 मार्क का है, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है आपको? पत्र लेखन, ठीक है, एक औपचारिक पत्र होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पत्र लेखन दो में से एक आपको करने हैं, दो दिए जाएंगे जो कि 5 अंक के होंगे, 5 मार्क के होंगे। और गद्य आकलन, मतलब वही अपना जो समरी टाइप होता है वो वाला, वो होता है 4 मार्क का। मतलब कि स्टूडेंट्स 5 और 4 कितने हो गए? 9 मार्क। मतलब आपने अगर पत्र कर लिया और ये कर लिया तो ये हो गए आपके पूरे 9 मार्क्स। प्रश्न 5 अ, दो कृति में से कोई भी एक हल करना होगा, मतलब कि वृत्तांत लेखन नहीं तो कहानी लेखन, इन दोनों में से एक आपको कंप्लीट करना है जो कि होगा 5 मार्क का। मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप जो है कहानी लेखन करो। वृत्तांत लेखन में क्या होता है स्टूडेंट्स? वृत्तांत लेखन मतलब कि अपना जो रिपोर्ट राइटिंग या फिर अपन बोलते हैं न्यूज राइटिंग, ठीक है। तो न्यूज राइटिंग जो होता है ना, उसमें पास्ट टेंस लगाना होता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, उनको हिंदी में नहीं कंप्लीट करते नहीं आता है, पास्ट टेंस में नहीं करते आता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं मेरी भावनाएं, मैं क्या कह रहा हूँ। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, तो वृत्तांत लेखन मत करो, आप जो है कहानी लेखन पे जाओ। तो वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन ऑप्शन में है, तो आप जो होंगे वो कहानी लेखन पे जाएंगे जो कि है टोटल 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का है टोटल? 5 मार्क का होने वाला है, तो ये 5 मार्क आपको कंप्लीट करने हैं। और फिर विज्ञापन लेखन यहाँ पे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, तो विज्ञापन मतलब कि अपना जो पैम्पलेट होता है ना, जाहिरात लेखन अपन जिसको मराठी में कहते हैं, तो वो यहाँ पे 5 अंक का होगा। तो वो आपको पूरा की पूरा कंप्लीट करना है, मतलब करना है, मतलब ये कंपलसरी है, मतलब आपको जो विज्ञापन लेखन है वो कंपलसरी है, वो 5 मार्क आपको करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। और निबंध लेखन जो है 7 मार्क का। अभी स्टूडेंट्स मैं तो आपको बता दूंगा कि ये करना है, लेकिन स्टूडेंट्स देखो इसकी प्रैक्टिस बहुत लगेगी, ठीक है। जो भी विभाग 5 होता है, जिसको हम प्यार से राइटिंग स्किल कहते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको अपन उपयोजित लेखन कहते हैं, तो ये जो राइटिंग स्किल होता है ना स्टूडेंट्स, इसको एकमात्र सॉल्यूशन है, इसको आपको प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, पत्र लेखन 1 दिन, फिर ये 1 दिन, फिर ये 1 दिन, और फिर ये 1 दिन, मतलब टोटल 5 दिन। तो भैया टोटल इसके लिए 5 दिन दे रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर दोनों वाले को 4 2 दिन और 2 दिन 4 दिन, और इसको 5 दिन, मतलब 9 दिन के अंदर अंदर आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं? टोटल कितने मार्क का था? 26 मार्क का, मतलब 22 प्लस 26 मार्क कितने हो गए? ये 8 हो गए, और ये 4, मतलब 48 मार्क्स आपके टोटल कंप्लीट हो रहे हैं 9 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब टोटल आपके 48 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं आपके 9 दिन के अंदर, 9 डेज। कैन यू इमेजिन 9 डेज? देखो 2 दिन पूरा पूरक पठन कर लेना, ठीक है, जो 2 दिन है वो पूरे के पूरे पूरक पठन कर लेना, एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना, रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, फोड़ देना, मचा देना। फिर दूसरे 2 दिन व्याकरण पे जाना, जैसे मैंने बोला पहले क्या क्या करना है, व्याकरण पे धीरे धीरे जाना, आराम से, ज्यादा टेंशन लेके नहीं, जितना टारगेट दिया है उतना कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, मेरा काम है टारगेट देना। जैसे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, हाँ भैया 2 दिन के अंदर ये हो गया, भैया 2 दिन के अंदर ये हो गया। फिर उसके बाद जो 5 जो टॉपिक्स है, जैसे पत्र लेखन, गद्य आकलन, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध, ये 5 टॉपिक को, हर एक टॉपिक को मैं एक एक दिन दे रहा हूँ। मतलब पत्र लेखन जो होंगे, सभी पत्र लेखन के फॉर्मेट वगैरह एकदम लर्न करके रख देना 1 दिन। गद्य आकलन मतलब समरी वगैरह, वो 1 दिन पूरा कर लेना।
फिर वृत्तांत लेखन एक दिन पूरे उसके सिंटेक्स वगैरह सब समझ के कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है सब। और फिर विज्ञापन लेखन एक दिन पूरा के पूरा देख लेना, विज्ञापन कैसे लिखते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, बॉक्स कैसे बनाते हैं सब। और फिर लास्ट दिन निबंध लेखन, बुक्स वगैरह थोड़े पढ़ के रखना, खुद को टारगेट देना कि मैं आज 3 निबंध लिखूंगा। हर एक जो टॉपिक दिया है मैंने, हर एक के एक बार देख के लिखना है, 3 बार बिना देख के लिखना है, एक बार देख के लिखना है, 3 बार बिना देख के लिखना है। मतलब हर एक दिन आपको चार चार, एक टॉपिक का चार चार बार आपको नमूना लिखना है, सैंपल लिखना है। इस प्रकार से आपके 9 दिन के अंदर पूरे के पूरे होते हैं 48 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, 48 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अभी स्टूडेंट्स रही बात आपको पोयम में क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, पोयम का भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, पोयम का भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अभी हम आएंगे 12 मार्क पे। पोयम का भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मतलब आपके टोटल 60 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले सरल अर्थ, जितने भी पोयम्स होते हैं उसमें से एक पोयम आपको दी जाएगी, वो पोयम के आपके कुछ पंक्तियां दी जाएगी, कुछ लाइंस दिए जाएंगे, और उन लाइंस के आपको सरल अर्थ आपको लिखने हैं। मतलब कि वो जो लाइंस दिए जाएंगे ना, उसके आपको क्या करने हैं, सरल अर्थ आपको वहां पे लिखने हैं। फिर शब्द संपदा मतलब कि आपको जो भी ग्रामेटिकल होता है ना, जैसे डू एज डायरेक्टेड वाला, वो वाला। और आकलन कृति, आकलन कृति मतलब कि आपको जो भी कृति दी जाएगी, जो भी बॉक्सेस वगैरह दी जाएंगे, वो तो आपके पद्य के दो आएंगे। मतलब ये जो दो दो चार पांच छह है, तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में अ होगा और आ होगा, जिसमें 6 6 मार्क को ये टाइप के आएंगे। तो 6 और 6 12 मार्क के हो गए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मैं दे रहा हूं 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरे पद्य आपको करके रखने हैं। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको पूरे पद्य करके रखने हैं। अगर 2 दिन के अंदर आप करोगे तो ये टोटल हो जाएंगे 12 मार्क। ठीक है, 12 मार्क टोटल हो जाएंगे। तो 12 मार्क हो गए, तो आपको समझ जाना है कि 80 में से आपके टोटल हो रहे हैं, विच इज यहाँ पे 48 था, प्लस 2 मिला दिए, कितने हो गए 50, और यहाँ पे 60। मतलब 60 मार्क्स आपके 11 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। लग रहा है क्या? नहीं बच्चा लोग, सिंपल सिंपल तभी होगा। देखो मेरा काम है बोलना, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करोगे खुद के लिए, बस हिंदी के लिए 11 दिन देना। आप बोलोगे भैया प्रीलिम्स है, कल ही है, यही है वही है। देखो प्रीलिम्स का छोड़ो, बोर्ड्स का ध्यान में रखो, खुद को 11 दिन दो, देखो ट्राई करो। इस 11 दिन के अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी कि पूरा दिन भर हिंदी करोगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी कर लो। थोड़ा मैथ्स कर लेना, थोड़ा साइंस का लर्निंग कर लेना, है ना, बोर हो गए तो ये कर लेना। मतलब यहाँ पे आपके 60 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, और फिर रिमेनिंग 3 4 दिन के अंदर अंदर जब भी आपका मन होगा, अगर करना होगा तो आप जो होंगे वो पैसेजेस में से, तो आप मतलब क्वेश्चन आंसर्स तो ढूंढ के लिख ही सकते हो, तो आराम से आपके हो जाते हैं 65 मार्क्स कंप्लीट। इस प्रकार से, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप जाओगे बच्चा लोग, तो आप पूरे के पूरे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो बच्चा लोग, मेरा काम था आपको प्लानिंग देना, जो कि भैया ने प्लानिंग दे दिया है, 15 दिन का प्लानिंग दे दिया है। मतलब दिसंबर एंड तक आपका पूरा की पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो अगर आप एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे तो जाहिर सी बात है आपसे नहीं होने वाला। मैं सबको बस एक ही बोलूंगा, मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, मन में ठान लेना भैया ने टारगेट दिया है 2 2 दिन के अंदर ये करना है, बुक कॉपी लेके बैठो, लिख लो जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, वीडियो को वापस देखो लगे तो, देखो कि भैया ने क्या क्या चीजें बोले हैं, वो चीजें एक पेज पे लिख के रखो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिस प्रकार से आप करोगे तो हिंदी में आराम से, आपको मैं बोलता हूँ कोई मायका लाल नहीं होगा कि वो आपको इतने मार्क्स गेन करने से रोकेगा। मतलब 100 में से आपको आराम से 85 मार्क्स मिल रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छा स्कोर होता है। और अगर आपने और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप बोर्ड्स तक आराम से 100 में से 90 तक जा सकते हो, आराम से जा सकते हो हिंदी जैसे सब्जेक्ट। बस स्ट्रेटर्जी को एग्जीक्यूट करो। अगर आप स्ट्रेटर्जी को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अगर आप उसमें समय नहीं व्यक्त करोगे तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ आपको दोस्ती करनी है तो आप उसके लिए टाइम देते हो, है ना, उससे बात करते हो, उससे चैटिंग करते हो, उससे टाइम देते हो, फिर जाके वो भी इंसान आपके बारे में जानता है, आप भी उनके बारे में जान सकते हो। आपका होता क्या है स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट्स को टाइम ही नहीं देते हो, तो सब्जेक्ट बोलता है भाई मेरे को भी तेरे में इंटरेस्ट नहीं, आप बोलते हो मेरे को भी तेरे में इंटरेस्ट नहीं, और मार्क्स कम आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स कोई भी इंसान को भी वक्त देना पड़ता है उसके बारे में जानने के लिए, तो टॉपिक्स को भी वक्त दो। हर एक दिन जितना जितना मैंने बोला है उतना उतना, पूरक पठन 2 दिन में खत्म करो, व्याकरण 2 दिन में खत्म करो, 4 दिन,
फिर उसके बाद जो मैंने स्थूल वाच क्या बोलते हैं अपने अपने राइटिंग स्किल होते हैं, सॉरी फॉर दैट बीच में फंबल हो गया, जो अपने राइटिंग स्किल होते हैं, राइटिंग स्किल को समय दो। 9 दिन मैंने राइटिंग स्किल को दिया है, मतलब पूरे 5 दिन दिए हैं, तो 4 और 5 9 दिन हो गए, और 2 दिन मैंने पोएम्स के लिए दिए हैं, विच इज 11 दिन। इसमें आपके 60 मार्क्स आराम से कंप्लीट हो जाते हैं, और पैसेजेस में से आप आंसर ढूंढ के लिख सकते हो, तो 65 मार्क्स आराम से कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। और हाँ भाई वापस बोलूंगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, इतने सारे जन है, ये देखो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, नॉट सब्सक्राइब्ड, इतने सारे जन है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। देखो टारगेट दे रहा हूं, 31 दिसंबर तक अपने 20,000 की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। मुझे पता नहीं है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर भैया आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बस नीचे सब्सक्राइब करना है आपको। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, और हाँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जीक्यूट करो चीजें, एग्जीक्यूट इज द की। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ ये स्ट्रैटेजी, मिलके कुछ नहीं होता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस एग्जीक्यूट करने से फर्क पड़ेगा। इसी के साथ पीस आउट।